दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और ये क्या है ना, इसमें अपडेट्स आ गए हैं। अपडेट्स की बात करें तो जैसे कुछ लोग पसंद कर रहे थे कि यार जैसे उसको ओल्ड स्टैंडर्ड लुक वाली मॉडल में बुलेट चाहिए होता था, तो यार फाइनली ना रॉयल एनफील्ड ने इस बार क्या किया है, कुछ चीज़ों में अपग्रेड स्मार्ट तरीके से कर दिया है। जैसे आपने स्टैंडर्ड बुलेट 350 आप पहले देखते थे उस तरीके से इसकी सीट्स वगैरह की हाइट वगैरह इन्हांस कर दी है, उसी के साथ इसमें काफ़ी सारे चेंजेस है और ये सिंगल डिस्क के साथ आ गई है। और ये जो कलर जो देख रहे हो ये बटालियन ब्लैक कलर है। ओके, तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे इसका प्राइस रेंज की, अगर हम डिफरेंस की बात कर लें स्टैंडर्ड मॉडल से कंपेरिजन देखने को मिलेगा कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये के आसपास इसमें डिफरेंस आपको यहाँ पे प्राइस में मिल जाता है। तो अपन इसमें बात करेंगे इसका प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, ओवरऑल इसमें माइलेज वगैरह आपको क्या मिलने वाली है, अदरवाइज अगर आप इसको फाइनेंस करवाते हो तो कम से कम डाउन पेमेंट आपको कितना देना पड़ सकता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप इसकी जो कलर जो देख रहे हो ये सेम स्टैंडर्ड लुक के साथ जैसे पहले आती थी ना, वो कलर आपको इसमें मिल जाएगी ब्लैक एंड गोल्डन फिनिश पे। इस पार्टीशन पे इसकी जो ब्रांडिंग वगैरह देख रहे हो एज इट इज सेम जैसे पहले पास्ट में जैसे आती थी, जिस तरह से क्वालिटी रॉयल एनफील्ड देता था वो चीज़ मेंटेन किया है यहाँ पे। उसी के साथ इसमें आपको यहाँ पे इसकी कीज़ हम आपको दिखाते हैं, ये बेसिक सी जैसे कीज़ आ रही है वही सेगमेंट की कीज़ आ जाती है। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करना, इसमें जो ब्रांडिंग जो है रॉयल एनफील्ड की ये चारों तरफ कीज़ पर आपको मिल जाती है। इंडिया में जो है ना बाइक की कीज़ का रोल आउट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं मीटर इसका दिखा देता हूँ, मीटर वही आपको एनालॉग सेटअप में सेमी डिजिटल आपको इसमें मीटर मिल जाता है। ऊपर की तरफ ये चीज़ जो है ओल्ड जैसी जैसे पहले आती थी ना भाई, ये अभी भी मेंटेन रखी है। ये पर्सनली भाई मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों की क्या राय है इस बारे में इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी यहाँ पर आप देखोगे एनालॉग मीटर का जो कंसोल ऊपर की तरफ दे रखा है, इसमें आपको बैटरी वगैरह का अलर्ट, बाकी ABS वगैरह, और यहाँ पर आपको फ्यूल गॉज का एक पॉपअप शो करके आएगा। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देखोगे इसमें छोटा सा बिल्कुल यहाँ पर डिजिटल मीटर का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है। इसमें ट्रिप वगैरह देखने को मिल जाता है, ओवरऑल इसमें जो ट्रिप देख रहे हो ट्रिप वन पे कितने किलोमीटर चली है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसी के साथ हैंडल बार में यहाँ पर आई बटन है, यहीं से सारा ट्रिप वगैरह आप मैनेज कर पाओगे। इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप इसमें देखोगे ट्रिप टू पे कितने किलोमीटर चली है वो आपको दिखाएगा। एंड नेक्स्ट वन ट्रिप एफ इसका आ जाता है, उसके बाद फाइनल ऑटो और इसका टाइम वगैरह यहाँ पर शो आउट होकर के आ जाता है। तो उसके बाद अपन बात करेंगे इसका जो फ्रंट साइड का प्रोफाइल है उससे मैं शुरुआत करता हूँ। पायलट लाइट जो देख रहे हो ये सेम बल्ब में, इसमें हाइलोजन बल्ब यहाँ पर लगा रखा है पायलट लाइट में। उसी के साथ इसमें जो इसकी हेडलाइट जो देख रहे हो ये आपको हाइलोजन बल्ब के साथ आ जाती है। इसको अभी ऑन करेंगे तब इसका हेडलाइट पता चल पाएगा। ये देखो जैसे पहले ओल्ड जैसे बुलेट में आती थी वही चीज़ सेम आपको इसमें मिलने वाला है। ये चीज़ खास है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। उसके साथ इसकी जो टर्निंग सिग्नल्स वगैरह जो देख रहे हो ये भी चीज़ यहाँ पर आप देखोगे ओल्ड क्लासी स्टाइल में, यहाँ पर आपको नॉन फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको इसकी आ जाती है टर्निंग सिग्नल्स वगैरह। ये फेंडर जो देख रहे हो ये आपको मेटालिक फिनिश पर इसकी आ जाती है, मडगार्ड फ्रंट साइड की, और ये भी काफ़ी जो है चौड़ी कर दी है इन लोगों ने और मेटालिक फिनिश पर इसकी फेंडर आ जाती है। अब अपडेट आपको हम पहले दिखा दें उसके बाद आगे की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो अपडेट है रियर साइड, यहाँ पर आप देखोगे क्या है भाई, इसमें अब आपको मिलने वाली है ड्रम ब्रेक का सपोर्ट। ये चीज़ अपडेट हो गई है, इससे पहले क्या था डुअल डिस्क पर आ जाती थी लेकिन इसमें अब आपको डिस्क टू ड्रम वेरिएंट मिल जाएगा। दूसरी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने जो अपडेट किया है मैं वो आपको पॉइंट आउट सिर्फ करा रहा हूँ। सीट जो देख रहे हो सीट की हाइट ये थोड़ी ऊँची कर दी है, ये चीज़ चेंज कर दी है। इसकी जो टेल लाइट की सेटअप है ये आपको क्या है भाई पुरानी स्टैंडर्ड स्टाइल में देखने को मिल जाएगी, स्क्वायर लाइट आपको आ जाती है। बीच में इन लोगों ने क्या किया था गोल्ड लाइट आती थी लेकिन इसमें क्या है आपको स्क्वायर लाइट। और ये जो चीज़ देख रहे हो यहाँ पर जो नंबर प्लेट माउंट होता है ये भी काफ़ी बदल दिया गया, ये भी पुराने अंदाज में जैसे पहले थी वो चीज़ कर दिया गया है। और इस चीज़ का बहुत क्रेज़ है अपने इंडिया में, लोग यार अपने पैशन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ आपने जैसा देखा होगा पहले लोग इस पर क्या है छोटे छोटे क्वार्ट्स या फिर टेम्पलेट लिखवा लेते थे, तो वो उसकी अपनी अपनी भाई माइंडलिटी होती है। बाकी इसमें ये चीज़ पहले जैसी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। टर्न सिग्नल जो इसकी आप देख रहे हो ये भी आपको हाइलोजन बल्ब में मिल जाता है, यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को इसमें मिल जाता है। और ये मेटालिक के फिनिश के साथ इसकी फेंडर वगैरह यहाँ पर आ जाती है और रियर साइड यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी वगैरह है रॉयल एनफील्ड क्या है मेंटेन करके रखता है, ये चीज़ तो आपको पता ही है यार। ये हैंड की प्रिंट होती है ये जो आप देख रहे हो, E20 के साथ इसका फ्यूल टैंक आता है, यहाँ पर आपको 3D बैजिंग मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की और ग्लॉसी पार्टिकल्स कलर का इसमें यूज़ किया गया है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, हैंडल बार जैसे पहले आ रही थी वैसी है, साथ में यहाँ पे मेटालिक फिनिश पर इसकी क्लच वगैरह देखने को मिल जाएगी, ब्रेक्स वगैरह ये भी आपको मेटालिक फिनिश पर मिल जाती है और डुअल मिरर सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाएगा।
और उसी के साथ बटन्स वगैरह में यहाँ पर आप देखोगे हैंडल बार में आई बटन यहाँ पर मिल जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको इसमें इसका पासिंग लाइट स्विच ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसका टर्निंग सिग्नल्स का बटन आ जाता है, हैलोजन बल्ब में टर्निंग सिग्नल्स है। ये इसकी हॉर्न बटन आ जाती है नीचे की तरफ, यहाँ पर आप देख पाओगे। और इसमें दूसरी साइड ये स्टार्ट बटन और इंजन किल स्विच एक ही में इनबिल्ड होता है, वो यहाँ पर शो होकर के आएगा। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर इसका हजार्ड लाइट भी फीचर दे रखा है, जिसे एक बार मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ लेफ्ट साइड, तो इसमें देखोगे चारों इंडिकेटर क्या है एक साथ आप जला पाओगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, इसको यहाँ से हजार्ड लाइट यहीं से ऑफ होगा। उसके बाद फ्रंट साइड में इसका हम टायर्स वगैरह की बात कर लें, इसमें आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है और इसमें आपको ट्यूब टायर देखने को मिलता है। ये भी चीज़ पहले जैसे थी उसी तरीके से कर दी गई है। और इसमें 100 सेक्शन का आपको फ्रंट साइड में टायर मिल जाता है, स्पोक्स व्हील्स के साथ आती है, टेलीस्कोपिक फॉक्स आपको इसमें मिल जाता है फ्रंट साइड में। यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह एड ऑन है। इसकी रियर साइड की अगर हम व्हील्स की बात कर लें, सियाट का आपको इसमें टायर मिल जाता है और 120 सेक्शन का आपको रियर साइड में टायर मिल जाता है जो कि विदाउट डिस्क आती है। स्पोक व्हील्स आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन सिंगल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आती है, ठीक है। वे एसेसरीज एड ऑन है। रियर साइड आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाता है जो कि स्प्रिंग बोर्ड में आती है। सिंगल बैरल के साथ इसकी एग्जॉस्ट पाइप आ जाती है। फाइबर की फिनिश के साथ इसकी साइड पैनल वगैरह आ जाती है। और ये पार्टीशन जो देख रहे हो, इसको फुट रेस्ट पिलियंस के लिए मिल जाता है, यहाँ पर राइडर्स के लिए फुट रेस्ट है। तो एक बार इसकी एग्जॉस्ट साउंड आपको मैं सुनाता हूँ। यहाँ से इसका मैं की ऑन कर देता हूँ, इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये है इसकी एग्जॉस्ट साउंड। और उसके बाद एसेसरीज की बात कर लें तो यहाँ पर आपको वुमेन्स पिलियंस के लिए सारी गार्ड कंपनी लगा करके देती है, साथ में फुट रेस्ट वगैरह अवेलेबल है। पिलियंस के लिए यहाँ पर फुट रेस्ट मिल जाएगा। इसकी साइड पैनल आपको फाइबर की फिनिश के साथ आ जाती है। 5 स्पीड गियर्स के साथ ये गाड़ी आती है। चैन कवर इसमें नहीं है, लेकिन ऊपर से एसेसरीज के तौर पे यहाँ पर चैन को कवर करने के लिए फाइबर का एक अल्टरनेट में एसेसरीज दे रखा है यहाँ पे। और इसमें सिंगल स्टैंड और डुअल स्टैंड दोनों अवेलेबल है, क्योंकि 350 सीसी की ये गाड़ी है। और बात करें इसकी इंजन की, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर के साथ 4 स्ट्रोक के साथ इसमें आपको एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस के मामले में इस बुलेट 350 का कोई जवाब नहीं है, हर तरह के लोग इस गाड़ी को चला लेते हैं। और आपको परफॉर्मेंस और साथ में इसमें माइलेज भी आपको ये निकाल करके दे देगी। कंपनी इस पे जो माइलेज क्लेम करती है 37 का क्लेम करती है, बाकी मेरे हिसाब से 30 से 25 के बीच माइलेज आपको आराम से इस गाड़ी से निकाल पाओगे आप। और साथ में आपको 20.4 PS मैक्सिमम पावर जनरेट करती है, और उसी के साथ आपको टॉर्क 27 Nm का जनरेट करके ये गाड़ी देने वाली है। और टोटल जो इसकी ग्राउंड क्लियरनेस जो आप देख रहे हो 160 mm ग्राउंड क्लियरनेस इसमें मिल जाती है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसकी सीट हाइट मैं आपको बताना भूल गया था, सिंगल टाइप इसकी सीट आ जाती है और 805 mm टोटल इसकी सीट हाइट आ जाती है। तो अब अपन बात करेंगे इसका जो लखनऊ की मैं प्राइस ये बता रहा हूँ, इसका जो ऑन रोड प्राइस है 2,20,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस आ जाती है। और ये स्टैंडर्ड से इसमें प्राइस में कम से कम 20,000 से 22,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। आपके सिटी में क्या प्राइस है हमें स्टूडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 50,000 रुपये का बजट लेकर के चलो, तब आप इस गाड़ी को फाइनेंस करवा पाओगे। बाकी आपका सिविल जितना स्ट्रांग होगा उतना बढ़िया आपको इस पे स्कीम्स देखने को मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है बुलेट 350 बटालियन ब्लैक कलर के बारे में, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।